हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर इमरान और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू फाइंड क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। ओके, तो हमारा पकड़ लीजिए, कहीं पे हमारा कंक्रीट हो रही है, ठीक है, किसी साइट पे हमारा कंक्रीट की काम चल रही है, तो उसमें हम किस तरह से क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट निकाले, ठीक है। तो आप देखिए, पकड़ लीजिए, M15 का कंक्रीट है। ओके, एग्जांपल में M15 का रेशियो क्या है, 1:2:4। ओके, 1:2:4, देन इसको ऐड कर लीजिए आप, इक्वल टू 1+2+4 इक्वल टू कितना हो गया, 7। ओके, इसमें से ये आपका जो है 1 M15 1:2:4 में 1 है आपका सीमेंट, 2 है आपका सैंड और 4 है आपका एग्रीगेट। ओके, तो पकड़ लीजिए 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए निकालना है हमें, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम सीमेंट के लिए निकालेंगे। ओके, सीमेंट क्या है अपना, 1 डिवाइडेड बाय टोटल 7। ओके, 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या ना, 1.57। 1.57 क्या है, अब देखो, 1.542 वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट इक्वल टू 1.542 1.57 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट। ओके, और हमारा कितना क्यूबिक मीटर के लिए, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए निकालना है क्वांटिटी, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर बोले तो ये जो हमारा 1.54 भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते, 1.57 भी कर सकते, तो हम 1.57 करेंगे। ओके, तो 1.57 करेंगे, तो जितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए आपको निकालना है, उतना क्यूबिक मीटर को इसमें 1.57 में मल्टीप्लाई करना है। तो हमको 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमें निकालना है, तो इसमें 1.57 × 1, ठीक है। तो अब हमारा हो गया 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1.57 × 1 1.57, देन सेंड। ओके, इसको हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले सेंड निकाल लेते हैं। ओके, सेंड का कितना है हमारा, 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1.57। ओके, देन एग्रीगेट के लिए हमें एग्रीगेट का कितना है, 4 बाय 7 मल्टीप्लाई 1.57। हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज, देखिए, जितना क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमें निकालना है क्वांटिटी, ओके, उतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट, जैसे कि हम 1 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे, तो 1 क्यूबिक मीटर को 1.57 में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे कि 10 क्यूबिक मीटर के लिए निकाल रहे एग्जांपल में, तो 10 को 1.57 में मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, जिस तरह मैंने किया है, तो 1.57 × 1 1.57 × 1 4 बाय 7 × 1.57 इक्वल टू हो गया। अभी इसको कैलकुलेट कर लेते हम लोग,
अभी इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे कितना आ रहा है। ओके अब देखिए, सॉरी फॉर इनकन्वेंस, क्योंकि मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अभी इस दौरान नहीं है, तो मैं फोन में काम चला रहा हूँ। तो हम लोग अभी निकालेंगे सीमेंट। ओके सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, तो फ्रेंड्स हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे। अभी सीमेंट का क्वांटिटी निकालेंगे, तो सीमेंट क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1.57, तो हमारा इक्वल टू मार दे तो कितना आ गया, 0.224 क्यूबिक मीटर। ओके देन 2.7 सेंड का 2.7 × 1.57 × 1 कितना हो गया, 1.57, तो इक्वल टू सेंड कितना क्यूबिक मीटर आ जाएगा, सेंड आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1.57 इक्वल टू 0.448 क्यूबिक मीटर। देन एग्रीगेट 4.4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1.57 कितना आ गया, 0.897 क्यूबिक मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा एग्रीगेट तो क्यूबिक मीटर में आ गया, सेंड क्यूबिक मीटर में आ गया, अब हमारा सीमेंट, सीमेंट को क्यूबिक मीटर से बैग में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, फर्स्ट हम लोग इसको करेंगे, सीमेंट का डेंसिटी क्या है, सीमेंट का डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ सीमेंट इक्वल टू 1440 केजी पर क्यूबिक मीटर। ओके तो हम पहले क्यूबिक मीटर को वेट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1440 मतलब डेंसिटी ऑफ सीमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 1440 तो कितना हो जाएगा, 0.224 मल्टीप्लाई 1440 इक्वल टू 322 इक्वल टू 322.56 केजी। ओके ये केजी में निकल गया। देन इसको बैग में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, 322.56 डिवाइडेड बाय 50 6.451। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारे कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मतलब हमारी M15 के कंक्रीट है स्ट्रेंथ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, M15 क्या है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ है कंक्रीट की M15 की कंक्रीट के लिए, और कंक्रीट की क्वांटिटी 1 क्यूबिक मीटर हम लोग एग्जांपल में लिए, 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट के लिए हमारे सीमेंट लगेगी 6.5 बैग 6.451 बैग्स। ओके तो 6.5 बैग्स और उसके बाद सेंड लगेगी 0.448 क्यूबिक मीटर, एग्रीगेट लगेगी 0.897 क्यूबिक मीटर। ओके ओके फ्रेंड्स थैंक्स, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लाइक करें। ओके थैंक्स।